उत्तराखंड में मतदाताओं की सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए 1 जनवरी से अब तक जो आवेदन निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुए थे उनको 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर के बीच अवलोकन करने के बाद 5 जनवरी 2024 को नई निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जाएगा। इन आवेदनों में ऐसे मतदाताओं को भी शामिल किया जाएगा जो 1 अप्रैल 2024, 1 जुलाई 2024 या 1 अक्टूबर 2024 को 18 या इससे 18 साल की आयु पूरी कर रहे होंगे। इससे पहले 9 नवंबर 2022 के बाद प्रदेश में 11,729 मतदेय स्थलों पर अलग अलग कारणों से 1,70,921 मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर किया गया था, जिसकी सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई। निर्वाचन आयोग की तरफ से जनता और जनप्रतिनिधियों से अपील की गई कि जो सूची निर्वाचकों को हटाकर तैयार की गई उसे निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपने नाम को चेक कर लें कि उनका नाम निर्वाचक सूची में है या नहीं। अभी रिवीजन एक्टिविटी में हम लोग को अभी आज से लेकर 9 दिसंबर तक हम ऑब्जेक्शन ऑफ जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का जो आवेदन है वो लेंगे। उसके बाद हम लोग 4, 5 नवंबर, 25 और 24 नवंबर को 4 दिन में हम लोग एक स्पेशल अभियान के रूप में रखा है। इस स्पेशल अभियान में हम लोग ये फोकस करेंगे जितना भी हमारा एलिजिबल मतदाता है उसका नाम जोड़ना है और किसी का नाम कटने के लायक है उसका कटाने के लिए प्रक्रिया के अभियान के रूप में 4 दिन में हम करेंगे। उसके बाद 26 दिसंबर तक हम लोग इसका क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन को डिस्पोजल करेंगे। उसके बाद हम लोग 1 जनवरी 2024 से हम लोग इसका इलेक्टोरल रोल का हेल्थ को चेक करेंगे। इसमें ईपी रेशियो, जेंडर रेशियो और एज वाइज जो डाटा हम लोग कैप्चर करना था वो पूरा आया